बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये जो है ये पानी वाली जो है मिसाइल मोटर यानी असली पंजाब पंप्स जो हैं महाना कितने यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इससे जो है आपके पैसे तो नहीं लगेंगे, लेकिन जो है हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और हम जो है आपके लिए नई नई वीडियोज़ बनाते रहेंगे। तो वीडियो शुरू, चलिए हम दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अभी पहले जो है हम इसे ऑन करेंगे और हम इसके जो है एम्पीयर चेक करेंगे, उसके बाद इसकी वाटेज निकालेंगे, फिर इसको जो है किलोवाट में जो है कन्वर्ट करके देखेंगे ये जो है हमारा असली पंजाब का जो ये पंप है महाना कितनी यूनिट इस्तेमाल करता है। सबसे पहले जो है हम इसके अंदर जो है इसकी वायर में जो है क्लैंप मीटर लगाएंगे और इसके जो है एम्पीयर चेक करेंगे। तो ये तकरीबन हमारे एम्पीयर जो हैं, तकरीबन ये हमारा पंप जो एम्पीयर जो है 5.34 एम्पीयर इसके करीब जो है एम्पीयर ले रहा है। तो इसको जो है अभी हम होल्ड करेंगे और हमने जो है इसको होल्ड कर लिया है। ये तकरीबन 4.2 पे जो है हमारा पंप जो है इस्तेमाल कर रहा है। ये तकरीबन असली पंजाब के जो पंप है वो तकरीबन इतना ही एम्पीयर इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम जो है इसको वाटेज में कन्वर्ट करेंगे और इससे जो है हमें पता चल जाएगा कि हमारे महाना यूनिट कितने इस्तेमाल होते हैं। ये जो है हमारे जो है मोटर पम्प जो है 4.2 एम्पीयर जो है इस्तेमाल कर रही है। तो 4.2 अभी जो है हम इसे वाटेज में जो है कन्वर्ट करेंगे। इसको जो है वाटेज में कन्वर्ट करने का जो फार्मूला है वो इस तरह के, हम जो है वाटेज में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 4.2 एम्पीयर को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारी जो है घर की आने वाली सप्लाई है जो वो तकरीबन 220 वोल्ट होती है। तो हम इसको जो है 220 वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे वाटेज निकलेंगे। इसको अगर हम 4.2 को 220 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तकरीबन 924 वाट बनते हैं, यानी हमारा पंप जो है 924 वाट का होता है। तो अभी जो है हम इसे किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे कि ये कितने किलोवाट का बनता है। किलोवाट 924 को जो है हम 1000 पर डिवाइड करेंगे। एक किलोवाट चूँकि एक किलोवाट जो है 1000 वाट के बराबर होता है, तो इसलिए हम इसको जो है 924 को 1000 वाट में जो है डिवाइड करेंगे तो ये हमारे आ जाएंगे 0.92 किलोवाट। और इसके बाद हम इसे यूनिट में जो है कन्वर्ट करके देखेंगे ये हमारे जो है महाना कितने यूनिट इस्तेमाल करता है, क्योंकि एक यूनिट जो है वो तकरीबन एक किलोवाट के बराबर होता है। यानी एक किलोवाट यानी 1000 वाट अगर हमारा घंटा लोड चलता है तो एक यूनिट जो है इस्तेमाल होता है। तो ये अगर हम जो है डेली एक घंटा जो है पंप जो है इस्तेमाल करते हैं घर वाला, तो इसको जो है हम इसके साथ जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा यूनिट निकलेंगे। यानी इसको जो है अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तकरीबन 0.92 ही बनते हैं, यानी एक यूनिट जो है तकरीबन एक यूनिट के करीब बन जाता है। अगर इसको जो है हम महाना इस्तेमाल करते हैं यानी महाना निकालना चाहते हैं ये कितने यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो 0.92 को जो है हम 30 पे जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे महाना यूनिट निकलेंगे। यानी इसको जो है हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे तकरीबन 27.7 जो है यूनिट बनते हैं। यानी अगर हम जो है महाना रोज़ाना डेली जो है एक घंटा हम जो है अपनी पानी वाली मोटर को जो चलाते हैं तो हमारे तकरीबन 27 यूनिट्स जो है बनते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है हमारी समझ आ गई होगी। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।